नमस्कार, इस समय हम कैथल के जाट स्कूल ग्राउंड में मौजूद हैं और आपको बता दें कि यहां पर कई दिन से जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता वो चली हुई है और आज अगर बात करें आज एथलेटिक्स जो गेम्स हैं वो हो रहे हैं, तो देख सकते हैं किस तरह से बच्चे अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19 में बच्चे हिस्सा ले रहे हैं और जो बच्चे फर्स्ट सेकेंड थर्ड आ रहे हैं उनसे बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे और जो कोचेज हैं उनसे भी जानेंगे कि इस तरह की प्रतियोगिता में किस तरह से बच्चों को बेनिफिट होता है और किस तरह से बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए आइए बातचीत कर लेते हैं जो यहाँ गेम करवा रहे हैं उनसे कि क्या कुछ मैसेज अपनी तरफ से देना चाहेंगे और बच्चों से भी जानेंगे कि जैसे फर्स्ट वो आए हैं, सेकंड आए हैं, किस तरह से उनके व्यू हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे। जो बच्चे ब्लॉक से फर्स्ट और सेकंड आए हुए हैं वो जिला स्तर प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर रहे हैं जी। तो मतलब सरकारी प्राइवेट दोनों स्कूलों, इसमें सरकारी और प्राइवेट दोनों स्कूलों के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया हुआ है जी। तो हर साल होती है इस तरह की, ये हर साल होती है प्रतियोगिता जी सरकार। तो कौन से गेम है इसमें? एक तो होता है भाई साहब गेम होते हैं टीम इवेंट, जैसे कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल। एक होते हैं एथलेटिक्स जिसमें रेस, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये होते हैं जी एथलेटिक्स। तो जो बच्चे यहाँ मतलब जीतते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं, वो कहाँ क्वालिफाई? जो यहाँ से डिस्ट्रिक्ट से फर्स्ट और सेकंड आएंगे वो हमारे स्टेट गेम में पार्टिसिपेट करेंगे जी, स्टेट लेवल पे। तो सर स्कूल प्लस टू तक के बच्चे हैं? प्लस टू तक के बच्चे हैं, अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19 एज ग्रुप के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं जी। तो बच्चों के लिए, अभिभावकों के लिए क्या मैसेज रहेगा, किस तरह से जैसे बच्चे पढ़ाई के साथ साथ गेम में हिस्सा लें? मैं तो अभिभावकों को यही कहना चाहता हूँ कि एजुकेशन के साथ साथ गेम भी बड़े ज़रूरी हैं और इससे गेम से बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है और ये बहुत आगे जा सकते हैं। पहले यह धारणा थी कि जो बच्चे गेम में हैं वो बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, अब वो धारणा पेरेंट्स ने ख़त्म की हुई है। जो बच्चे गेम में हैं वो पढ़ाई में भी अच्छा स्थान लेते हैं। आज किस तरह के गेम हैं? एथलेटिक्स गेम है आज, एथलेटिक्स इवेंट है आज सारे के सारे। इसमें क्या होगी, रेस होगी, जंप होगे और थ्रो होगे, ये सारे के सारे हैं यहाँ। तो कितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं आज? लगभग 500 बच्चे के आसपास यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं आज। जो ब्लॉक से फर्स्ट और सेकंड आए हैं वही बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना यहाँ पे। तो जो बच्चे फर्स्ट सेकंड अब आएंगे वो कहाँ खेलेंगे? वो स्टेट में खेलेंगे, स्टेट में अलग अलग गेम का अलग अलग वेन्यू होता है, जैसे खो खो का कहीं है, चेस का कहीं है, एथलेटिक्स का कहीं है, स्विमिंग का कहीं है, ये अलग अलग जिले में अलग अलग वेन्यू होता है इनका। इनाम भी कुछ रखे हुए हैं बच्चों के लिए? यहाँ पे सिर्फ सर्टिफिकेट मिलते हैं, जब स्टेट में जाते हैं, स्टेट में जाने के लिए हमारे जिला शिक्षा अधिकारी की तरफ से बच्चों को पूरी किट मिलती है, वो किट देते हैं। हाँ जी, क्या नाम है? मनदीप नाम है। कहाँ से? मैं कुरार से हूँ और छांगन से शिक्षण केतन स्कूल में। पहुँचो आप। तो आपके स्कूल की अगर बात करें, कितने के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? इसमें हमारे यहाँ एथलेटिक में और रेसलिंग में करीब 50 से 60 बारह है। जैसे कल रेसलिंग थी लड़कियों की और परसों लड़कियों की, वहाँ भी हमारे मेडल आए हैं, 10 से 12 मेडल आए हैं। और एथलेटिक में आज लॉन्ग जंप में आए हैं, ट्रिपल जंप में और अंडर 17, अंडर 19 में 400 मीटर में पोजीशन जी। तो किस तरह से स्कूल में अगर बात करें मेहनत करवाई जाते हैं बच्चों को, बच्चों के किस तरह से शेड्यूल रहता है अपना? शेड्यूल ये है जी, 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम को। अच्छा। जब मतलब छुट्टी के बाद ग्राउंड लगते हैं 4 से 6 और सुबह ट्रैक है। तो कौन से गेम है स्कूल में? स्कूल में अभी तो एथलेटिक है, कबड्डी है और जी। तो किस तरह से बच्चों को प्रोत्साहित करते हो आप लोग, जैसे फर्स्ट पोजीशन आपके स्कूल की देखा है आपने कई बच्चों की? देखो ये तो प्रोत्साहित ऐसे है जी, पेरेंट्स का भी सहयोग रहता है, कोच का भी सहयोग रहता है, पढ़ाई के साथ साथ अगर टाइम दे रहे हैं, शेड्यूल बनाया जाता है बच्चों को देख कर, बॉडी स्ट्रक्चर देख कर जी, ये कौन से इवेंट में या इंडिविजुअल गेम में या टीम गेम में किस प्रकार ये चल सकता है। हाँ बेटा, क्या नाम है? कौन से स्कूल से? अच्छा, शिव शिक्षण से हो। तो क्या कहोगे, जैसे एथलेटिक्स में, रेस में, अंडर 17 में आप फर्स्ट आए हो,
बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत टफ कॉम्पिटिशन है। अच्छा, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं जी? तो मतलब कितने दिन से आप लगातार प्रैक्टिस कर रहे हो? डेढ़ साल हो गए। डेढ़ साल हो गए। तो स्कूल में किस तरह का माहौल है, किस तरह से गेम्स की तरफ बच्चों को पार्टिसिपेट के लिए? स्कूल में बहुत अच्छा माहौल है, प्रोत्साहित कर रहे बच्चों। अच्छा, तो क्या कहोगे, क्या एम है आपका भविष्य में? ओलंपिक खेलना सर। कौन सी क्लास में हो? 10th सर। जी, आप कौन सी गेम्स में हिस्सा लिया आपने? 400 मीटर एथलेटिक्स। एथलेटिक्स में तो क्या पोजीशन आई आपकी? फर्स्ट पोजीशन आई है। तो किस तरह से इसके लिए मेहनत करते हो, कितने दिन से आप लगातार मेहनत कर रहे हो? कहाँ से हो, कौन सा स्कूल आपका? शिव शिक्षा सांगन वाला स्कूल है जो? अच्छा, तो मतलब क्या कहोगे, पेरेंट्स मतलब किस तरह से प्रोसेस करते हैं, और टीचर्स की अगर बात करें, टीचर किस तरह से गेम की तरफ, जैसे पढ़ाई के साथ साथ क्या दोनों पूरा ध्यान देते हैं गेम पे, अच्छे से फोकस गेम पे ही हमें ओलंपिक में मेडल लेके आना है। अच्छा, मतलब अब कहाँ खेलोगे आप? अब स्टेट लेवल पे खेलेंगे।